दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी आईसीसी की तरफ से दी गई है। बैठक में आगामी विधानसभा को लेकर चर्चा हुई, किस प्रकार संगठन के साथ मतदाताओं के बीच जाना है और किन मुद्दों को लेकर जाना है, इन सभी विषयों पर बातचीत हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में 50% सुविधा को खत्म किए जाने पर सीएम ने कहा कि वैसे ही रेल बंद कर दी गई है, 1000 ट्रेन पहले ही बंद की जा चुकी हैं, अब जो सुविधाएं मिल रही हैं वो भी बंद हैं। तो वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि भाजपा के बहुत सारे नेता हमारे भी संपर्क में हैं। हिमाचल प्रदेश के जो सभी आईसीसी जिनको जिम्मेदारी दी है वो सारे चेयरमैन उपस्थित थे, पीसीसी चीफ, सीएलपी लीडर और तमाम सब नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। और आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत ही गंभीर मंत्रणा हुई और किस प्रकार से हम लोगों को संगठन के साथ मतदाताओं के बीच पहुंचना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, सारी बातों को। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। दिल्ली दौरे से वापस वो रायपुर लौटे हैं और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी जो है वो आईसीसी की तरफ से उन्हें दी गई है। बैठक में आगामी विधानसभा को लेकर चर्चा हुई, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है, किस प्रकार संगठन के साथ मतदाताओं के बीच जाना है, किन किन मुद्दों पर मतदाताओं से बात करनी है, क्या कुछ आगामी रणनीतियां रहने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में 50% सुविधा जो है उसे खत्म किए जाने की बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने दी है।